क्या ओयो होटल में 18 प्लस वाले कपल्स को जाना अलाउ है? या फिर इंडिया में जितने भी तरह के होटल्स हैं, वो आपका मेक माई ट्रिप हो गया, या फिर आपका गुआबीबो हो गया, ये जितने तरह के होटल्स हैं जो कि अपने होटल में कपल्स को ठहरने के लिए परमिशन देते हैं, इन सारे तरह के होटल्स में अगर किसी कपल्स कोई कपल वहाँ पर विजिट करने जाता है और उनका एज सिर्फ 18 प्लस है, लड़का और लड़की दोनों का एज अगर 18 प्लस है, तो क्या उन्हें परमिशन मिलेगा उस होटल में स्टे करने का या फिर नहीं? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, आई एम रोहित एंड यू आर वॉचिंग हाईटेक रोहित। थैंक्स फॉर लविंग सपोर्ट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो पसंद अगर आप लोगों को आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे ओयो से रिलेटेड या फिर इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आप कोई भी अपडेट वीडियोस को मिस ना करें। हालांकि मैंने ओयो के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आपको जो भी डाउट हो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट सिस्टम जाइए, वहाँ पर ओयो बोल के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स के ऊपर ऑलरेडी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में लोग बात करते हैं कि अगर कोई कपल ओयो होटल में रूम बुक करता है और उन दोनों का ही एज 18 प्लस है, मान लो लड़का या फिर लड़की दोनों का ही एज 18 प्लस है, तो क्या उन लोगों को उस होटल में चेक इन करने के लिए जो है अलाउ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वेल, तो दोस्तों, ओयो का अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप चेक करते हो तो वहाँ पे बोला गया है साफ साफ कि ओयो कपल्स को अलाउ करता है 18 प्लस वाले कपल को। बट आजकल कुछ एक होटल में देखने को मिल रहा है कि अगर कोई लड़का लड़की जो कपल्स होते हैं वो होटल पर जा रहे हैं, उन दोनों का एज अगर 18 प्लस है तो उन लोगों को चेक इन करने का परमिशन नहीं देता है। वो बोलता है कि लड़का का एज कम से कम 21 होना चाहिए और लड़की का 18 प्लस। तो दोस्तों, हालांकि ओयो में ऐसा लिखा तो गया है कि 18 प्लस होने से अलाउ मिल जाएगा, बट अभी भी वो लोग कहीं ना कहीं होटल के जो रिसेप्शनिस्ट है वो उनके हाथ में है कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। वो लोग 21 वाले बंदे को और 18 प्लस वाले बंदियां को ही अलाउ करते हैं, क्योंकि उन लोगों को वो लोग ऐसा मानते हैं कि 18 प्लस वाले अभी तक पूर्ण रूप से बालिग नहीं हो सके हैं। तो हालांकि अगर पुलिस केस वगैरह भी हालांकि होता नहीं है, अगर एक दो केस में पुलिस केस भी होता है, तो अगर आपका एज रिसेंटली 18 चाहे 19 या 20 के है कि अगर आप लोग हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट हो सकता है वहाँ पे, लेकिन 21 प्लस एज जो दोस्तों सेफ माना जाता है ओयो में। तो हालांकि अभी तक ये 100% रूप से लागू नहीं किया गया, अभी भी 18 प्लस वाले बहुत सारे कपल्स जा रहे हैं और उनको परमिशन मिल रही है स्टे करने का, वो लोग रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे होटल्स आपका हो गया, जैसे कि आपका गुआबीबो वगैरह हो गया, आपका मेक माई ट्रिप हो गया, इन सारे जगह पे 21 प्लस कपल्स को ही अलाउ करता है। कपल्स मतलब ये नहीं कि लड़का लड़की दोनों का ही एज 21 चाहिए, लड़का का एज कम से कम 21 प्लस और लड़की का 18 प्लस। ओयो के भी कुछ कुछ होटल्स में ऐसा स्टार्ट हो चुका है कि उनका जो एज है लड़का का वो 21 मिनिमम होना चाहिए और 18 जो लड़की का एज है वो 18 मिनिमम होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्या, अगर आप लोग क्या करोगे, अगर आपने एक रूम बुक करा, अगर आपके एज सिर्फ 18 प्लस है, आप लोग कपल्स हो और आप होटल पे जाते हो, आपको मना कर देता है वो लोग कि नहीं, हम 18 प्लस वाले को नहीं लेंगे, तो आप लोग क्या करोगे? वही तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है जो आप लोग अपना सकते हो। जब भी आप लोग होटल बुक करोगे, जिस होटल अगर आप लोग बुक करोगे, तो आपके नंबर पे उसका व्हाट्सएप नंबर, उसका रिसेप्शनिस्ट का जो नंबर होता है, वो सारा आपको डिटेल्स जो आपके व्हाट्सएप नंबर पे या फिर आपका नॉर्मल नंबर पे टेस्ट होकर आ जाता है। तो जो भी होटल अगर आप बुक करते हो ना, तो उसका जो नंबर है रिसेप्शनिस्ट का, वो आपके फोन पे तो आ गया, आप उसको जस्ट एक बार कॉल कर लो और कॉल करके पूछ लो कि भाई मेरा एज ऐसे ऐसे 18 प्लस है, तो आप लोग अपने होटल में 18 प्लस वाले कपल्स को अलाउ करते हो या नहीं करते हो, या फिर 21 वाले को करते हो। तो वहां पे आप लोग एक बार श्योर हो सकते हो दोस्तों कि 18 वाले को अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर 21 वालों को अलाउ करते हैं, तो यहां से आप समझ सकते हो। हालांकि इसके ऊपर कुछ किया नहीं जा सकता है, ओयो में तो लिखा है कि 18 प्लस वाले को जाना अलाउ है, और मैं भी 18 प्लस में गया हूँ। हालांकि अभी एक दो केस सामने में निकल के आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे में 18 प्लस वाले में बहुत सारे होटल्स में नहीं रहने दिया जाता है, 21 को कहीं ना कहीं वो लोग प्रेफर करता है। तो आप लोग जब भी रूम बुक करो, एक बार जब भी आप किसी भी होटल का रूम बुक करोगे, तो आपको सारी डिटेल्स उस होटल का आपके नंबर पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो आपको वहाँ पे नंबर दिया जाएगा उस होटल का रिसेप्शनिस्ट का, आप कॉल करके एक बार इस चीज को जरूर क्लियर कर लो। आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी तरह के फ्यूचर में और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में यही था, वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच।